अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली क्या हाल है उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो चलें जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं जो मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है फ्रिज तो मेरा कुर्बानी वाली ईद के तकरीबन एक हफ़्ते बाद भी ख़राब हुआ था पर वो थोड़ी बहुत इसकी डेंटिंग पेंटिंग के बाद ये ठीक हो गया तो उसके बाद अब जो ख़राब हुआ है तो इसने फिर एक चक्कर लगाना था जहाँ फ्रिज सही होते हैं तो उन्होंने भाई आके हमें खुशखबरी सुनाई कि इसको कर दिया जाए खाली तो मैंने कहा चलो मैं अपनी यूट्यूब फ़ैमिली से शेयर करूं कि मैंने फिर किस तरीके से मैनेज किया अपना सारा काम सबसे पहले तो मैं आपको ना बलाई दूध के ऊपर से उतारने का आसान तरीका बताऊंगी इससे दूध भी ज़ाया नहीं होता और पूरी जो है ना बलाई आराम से आ जाती है अगर आपके पास इस तरह की कोई छन्नी हो तो आप सारा दूध जो है ना मतलब मलाई इस छन्नी के अंदर डाल लें और फिर जो है ना आपका दूध भी मतलब खालस रहेगा और बलाई की भी जमा और आपकी बलई जमा करने का अगर आप समझते हैं कि आपके दूध और लस्सी और दही के अंदर स्मेल ना हो तो आप सबसे पहले जो है ना जैसे बलइ तो आ रहे हैं ना फ़ौर वो जितनी भी थोड़ी हो ज़्यादा हो आप उसको फ्रीज़ कर दें जब आप साथ साथ फ्रीज़ करते रहेंगे ना अगर फ्रिज में रखेंगे तो स्मेल पैदा हो जाएगी उसमें फिर उसके बाद जैसे ही मेरा फ्रिज गया तो मैंने फ़ौर रात के टाइम ही ना जब से ईशा के बाद फ्रिज लेके गए तो मैंने फ़ौरन मेरे पास तकरीबन कोई डेढ़ पौ तक दही पड़ा हुआ था तो मैंने स्टील के दस के, के अंदर ना उसको पूरी रात भर के लिए ना दही पूरा उस मलाई के अंदर डाल के ना तो उसको मिक्स करके रख दिया फिर जब मैंने इसको देखा तो पता है आपको ना एक खुशबू सी भी दही की आना शुरू हो जाती है जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि आपको कैसे पता चला कि जो बलाई है वो दही बन गई है तो उसकी ना एक दही वाली खट्टी खट्टी सी आती है खुशबू सी तो ये फिर मेरे पास जो है ना हैंड बीटर था तो यख ठंडा पानी जो है ना आप उसके अंदर डालें पर उस इस तरह जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जो मक्खन के पेड़े तैयार हुए हैं पहली दफ़ा मेरे से ना इस तरह के पेड़े बने हैं अगर फ्रिज होता है ना तो मैं इसी तरह इसको फेंटा लगा के ना तो पूरा जो ये पतीला होता है ना स्टील का जो जिसके में बलाई होती है तो ये सारा जो है ना मैं कर देती हूँ इसको मतलब फ्रिज में रख देती हूँ तो तकरीब दो तीन घंटे के बाद हल्का सा इसको पुश करेंगे ना मतलब जो मक्खन है वो जम जाता है और पूरी लस्सी बाहर आ जाती है पर इस दफ़ा तो फ्रिज ही नहीं था तो फिर मुझे इस तरह के पेड़े बनाने पड़े और कुछ मैं मक्खन रख रही हूँ और कुछ का ना मैंने फौरी तौर पर जो है ना क्योंकि ज़रा मेरे पास फ्रिज ही नहीं था तो मैंने बोला इस सारे जो जितना भी मक्खन है ना सब का ना मैं बना लूँ घी और घी अगर बाहर भी रख देना फ्रिज के बाद तो आपका ना जो घी है ना ख़राब नहीं होता और माशाल्लाह इतना प्यारा मक्खन बना था और उससे भी ज़्यादा प्यारा जो है ना बना है घी इसका और घी बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता बस ये है कि आपने ना इसको हल्की आंच पे आपने चढ़ाना है और जब इसका मक्खन पिघल जाए तो आपके पास अगर बाजरा है तो उसको थोड़ा सा ना मतलब पीस लें वो डाल दें नहीं तो चक्की का जो आटा होता है ना वो एक चम्मच डाल दें उसके अंदर उसकी यही निशानी होती है कि जो इसके अंदर लस्सी या खट्टापन होगा ना वो सारा जो है ना आटा अपनी तरफ खींच लेता है तो इसके बाद जो है ना आप इसको हल्की आंच पे चढ़ा दें और हल्का हल्का इसको वक्त ब वक्त हिलाते रहें नज़र रखें आटा जले ना जब आटा जल गया समझो आपका घी भी ख़राब हो गया तो मैंने जो है ना इस पर पूरी नज़र रखी और माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा घी बन गया था और मैं अब घी जो है वो निकाल रही हूँ और ये जो आटा है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी मैंने वो वीडियो क्लिप्स मेरे पास है नहीं है या मैंने बनाया नहीं था उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने सूजी भुनी थी तकरीबन दो चम्मच क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो थी मतलब घी था इस आटे के अंदर ना तो वो सूजी भुनने के बाद ये वाला आटा इस उसके अंदर मिक्स किया और अच्छा सा भून के ना तो इतना प्यारा जो पंजाबी में बोलते हैं ना ददे बन गए थे अपने पता नहीं ददों का नाम सुना है या नहीं और ये देखें साथ में ना आटा मैंने पानी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि फ्रिज ना हो तो फिर इस तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं तो आटा गूंदा फ्रेश फ्रेश मैंने कहा चलो अब दो तीन घंटे तो अभी ज़रा दोपहर का खाना बनाऊंगी फिर शाम को बना के ना तो रात के टाइम फिर अपनी नीचे जो मेरी बहन है सहरा उसके पास रखवा दूंगी तो ये देखें ये पहली दफ़ा मेरे पास इस तरह हमने घी बनाया क्योंकि मेरे बच्चे जो घी से ज़्यादा मक्खन पसंद करते हैं पर फिर मजबूरी थी तो मैंने कहा चलो आप इस दफा घी बना देते हैं क्योंकि जब काले मसर बनते हैं ना तो उसमें जब तक घी डाल के ना खाओ ना जब तक घी ना डालो ना मज़ा नहीं आता तो ये देखें ये मैं अब उसी लस्सी को मैं जो लस्सी मेरे पास बची थी एक जग मैंने निकाल लिया था जो जो घर में थे उन सब ने पी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लस्सी बनी थी और इतने में मेरे शोर भी आ गए तो उन्होंने बोला ये क्या है? मैंने कहा लस्सी तो कहते हैं इधर लाओ मेरे लिए तो मैंने कहा अच्छा चाहे पी ले पर मैंने कड़ी भी बनानी है तो साथ साथ फिर मैंने ना इसके अंदर चार चम्मच बेसन डाल के ना उसी बीटर से उसको दोबारा मैंने मैं मतलब उसको बीट किया ताकि वो जो है ना बेसन मेरा पूरा आ, मतलब वो हो जाए मतलब अंदर मिक्स हो जाए ना उसके बाद क्योंकि ये लस् जो था न पतीला मेरा स्टील वाला जो था वो थोड़ा छोटा था तो इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड करना था तो फिर मैंने दूसरे पतीले में शिफ्ट करके ना तो इसको अच्छा सा किया जब तक मैं मसाला भूनती हूँ ना इस पूरे पतीले को मैंने गर्म कर लिया ताकि साइडों से मक्खन वग़ैरह भी उतर आए और यकीन करें कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती अगर आप तरीके से और मतलब सलीके से आप अपने घर को चलाएं तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती अभी आप देख लें मैंने दो किलो दूध से मैंने मक्खन बनाया बल, पहले बलाई उतारी फिर मक्खन बनाया फिर घी बनाया फिर उसी लस्सी की मैंने कड़ी बनाई और मतलब कि मेरे दो दो चार घंटे मेरे लग गए सुबह दिन के टाइम मतलब पर है कि बहुत खुशी हुई है सारी चीज़ें बन गई कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह की ना अच्छे अच्छे काम किया करें दिल भी बहुत खुश होता है और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है और ये देखें माशा इतनी प्यारी कड़ी तैयार हुई थी तो मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कहते हैं नहीं जी नहीं वो कड़ी अच्छी नहीं बनती वो ये नहीं होता मैंने देखा है कि बहुत प्यारी कड़ी बनती है बस ये है कि आप लोग अगर थोड़ा सा मतलब पूरा ध्यान लगा के कि अपने किचन की तरफ खड़े हो के सारा काम करें तो एक साथ माशाला हालांकि उस दिन मेरे को दो हाँ गट्ठी बनानी पड़ी थी पर कोई बात नहीं दिन के टाइम मैंने भिंडी बनाई रात के टाइम मैंने कड़ी बनाई फिर अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो चने जी आज का बेलॉग आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी तरफ से अल्लाह हाफि